और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ओरछा के रामराजा सरकार के दर्शन के लिए पहुंचे थे। भगवान के दर्शन कर पूजा पाठ की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मंदिर परिसर में साफ सफाई भी की, भक्तों के बीच बैठकर भजन भी गाए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि राम हमारे रोम रोम में है, राम हमारी हर सांस में है। आज मैं उन सभी बलिदानियों के चरणों को नमन करता हूँ। 500 सालों तक लगातार ये दिन देखने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया और इस संघर्ष में उन्होंने अपने प्राण तक बलिदान दे दिए, अपने हर एक चीज को न्योछावर किया। चरणों में प्रणाम। मेरा पूरा विश्वास कि पूरा देश पूरी दुनिया आज प्रफुल्लित है। और एक तरफ आप शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन अब ये नजारा आप देखिए, रात की एक छटा आप और ज्यादा दोगुनी चमचमाती हुई आपको नजर आने वाली है। सुबह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जितनी आपने साजो सज्जा देखी है उससे दुगनी खूबसूरती आज आप अयोध्या में शाम के वक्त देखेंगे। दीप प्रज्वलन यहां पर किया जा रहा है, दीपावली जैसा दृश्य है। जिस प्रकार आपने देखा है अयोध्या से ही शुरुआत होती है दिवाली की, तो शुरुआत रामलला के दरबार से अलग अलग मंदिरों में आप देखेंगे दिए जलाते हुए लोग आपको नजर आएंगे, क्योंकि दीपावली सही मायने में तो आज ही भारत में है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा आज नए सिरे से एक नए अध्याय का आगाज। जिस प्रकार प्रधानमंत्री की तरफ से भी इस बात का जिक्र रहा है कि अभी ये अंत नहीं है, राम राज्य की प्रेरणा लेकर इस युग में आगे बढ़ना है और हो सकता है कि इन दीपों की ज्योति हर उस देशवासी के मन में जगे जो भगवान राम से प्रेरणा लेना चाहता है, आने वाले समय में अपना जीवन उसी प्रकार से व्यतीत करना चाहता है जिस प्रकार का मार्गदर्शन प्रभु राम की तरफ से दिया गया है। तो आज बहुत बड़े स्तर पर दीपोत्सव के कार्यक्रम पूरे देश भर में आपको नजर आने वाले हैं। अयोध्या से आगाज हो चुका है आज के खास दीपावली का। दीपावली यानी कि भगवान राम अयोध्या लौटे हैं